सिर्फ इतना जानता हूँ कि सिर्फ एक बंदा काफी है, उसको लेकर के हमने पूरे ना सिर्फ पूरे देश में हम हर जगह जा रहे हैं, बल्कि मैं विदेश भी गया था इसके रिलीज के पहले, और जिस तरह से वहाँ पे विदेश में लोगों ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसने जिस तरीके से सपोर्ट किया न्यूयॉर्क न्यू जर्सी वगैरह में, आज सबके सामने है कि ये फिल्म इतिहास बना रही है, ये फिल्म सारे परिवार द्वारा पूरे संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकार भी की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हो या OTT, एक व्यक्तित्व है करिश्माई, सिर्फ एक बंदा काफी है जिसका नाम है मनोज बाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, मनोज बाजपेयी पहुंचे हैं लखनऊ G5 पर अपनी नई फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को लेकर के। आते ही उनसे सवाल दागा गया कि क्या ये कहानी आशाराम बापू के ऊपर है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने कोर्ट रूम की इस कहानी को कोर्ट में खींचने की कोशिश की, आज वो लोग खुद जा करके इस फिल्म को देख रहे हैं। उन्होंने कहा फिल्म बहुत लोकप्रिय हो रही है और G5 की अभी तक की सबसे ज्यादा 400 मिलियन से ज्यादा व्यूइंग मिनट के साथ स्ट्रीमिंग चार्ट में सबसे ऊपर है। तो इसका प्रमोशन करने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं, कोनेश्वर मंदिर गए, वहां महादेव के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा फिल्म इतनी हिट हो रही है कि कई जगह तो दर्शकों की मांग पर सिनेमा घर में भी इस पिक्चर को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जो चिंतक हैं, जो राइटर प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो समाज की कुछ घटनाओं को देखते हैं, उनसे चुन करके कुछ फिल्म्स बनाते हैं ताकि समाज को एक सार्थक संदेश दिया जा सके। उन्होंने कहा फिल्में इतिहास नहीं बनाती, फिल्म क्रांति नहीं लाती, क्रांति तो हम आपको लानी है, लेकिन हम एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर इंटरटेनमेंट के माध्यम से सामने रखते हैं। आप जानते हैं कि मनोज वाजपेयी की आंखें हो या बॉडी लैंग्वेज हो, लगातार बात करती है। हालांकि जब लखनऊ पहुंचे इनकी तबीयत काफी खराब थी, फिर भी इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। आइए दोस्तों अब बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर G5 पर आई फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है। ये विनोद भानुशाली की भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड द्वारा, जी स्टूडियोज और सुपर्ण एस वर्मा द्वारा प्रोड्यूस की गई है। सिर्फ एक बंदा है कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है ऐसा बताया गया। ये कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें मनोज बाजपेयी ने PC सोलंकी नाम के एक वकील की भूमिका निभाई है। ये कहानी एक आम इंसान की कहानी है जो पेशे से हाईकोर्ट में वकील है और अपने बलबूते पर देश में भगवान का दर्जा पाने वाले सबसे बड़े धर्मगुरु के खिलाफ एक असाधारण मुकदमा लड़ता है। पिछले दिनों मुकदमे की कई फिल्में आपने देखी, कोर्टरूम ड्रामा देखा, जॉली LLB के दो पार्ट्स में आपने देखा, लेकिन जिस तरीके से इसकी स्क्रिप्टिंग की गई है, जिस तरीके से मनोज बाजपेयी यानी सिर्फ एक बंदा काफी है अकेले दम पे पिक्चर को ले जाने वाले, वो इसमें एक वकील का किरदार निभा रहे हैं। और जब ये देश के सबसे बड़े धर्मगुरु के खिलाफ एक असाधारण मुकदमे की कहानी होती है, पास्को एक्ट के तहत एक नाबालिग के बलात्कार के जुर्म में सजा दिलाने में उनको कामयाबी मिलती है, तो इसी वजह से आशाराम बापू के केस को इस फिल्म से जोड़ करके देखा जा रहा है। दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा कि यह कहानी हमारे समाज में महिलाओं की हिफाजत से जुड़े बहुत अहम मुद्दे से जुड़ी हुई है। यह हमारे समाज का आईना है, बेहद कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। इस फिल्म का विषय बेहद संवेदनशील है, इसलिए हम इस कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने में हमें सालों की मेहनत और रिसर्च करनी पड़ी। इसलिए एक बार जा करके इसको डाउनलोड मत करिए, बल्कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे G5 पे एक बार जरूर देख लीजिए। तो इस तरीके से मनोज बाजपेयी राजधानी लखनऊ पहुंचे अपनी नई फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है। G5 पर ये स्ट्रीमिंग हो रही है और जैसा आपको बताया 400 मिलियन से ज्यादा मिनट तक इसको देखा जा चुका है।